तो हे गाइस, अगेन वेलकम टू अवर चैनल। बात करने वाले निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी की मंथली चार्ट के बारे में और यहां पर वीकली चार्ट की। दोनों ही चार्ट पर अपन एनालिसिस करेंगे कि मंथली चार्ट पे आप कैसे ट्रेड कर सकते हैं और वीकली चार्ट के ऊपर आपको निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी को कैसे ट्रेड कर सकते हैं और कौन सा लेवल आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए और वीडियो पर नए आए तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। सबसे पहले यहाँ पर मैंने फिन निफ्टी का मंथली चार्ट लगा रखा है और मंथली चार्ट के ऊपर लास्ट मंथ की कैंडल देखेंगे, यानी कि सितंबर मंथ की कैंडल देखेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर एक इन्वर्टेड हैमर जैसी कैंडल यहाँ पर देखने को मिली है। अब दोस्तों यहाँ पर इन्वर्टेड हैमर कैंडल का यहाँ पर इंटरप्रिटेशन क्या हो सकता है, अगर इसका लो क्रॉस करेगा तो अपन कंटिन्यू डाउन साइड में ट्रेड करते हुए दिखाई दे सकते हैं। बट दोस्तों यहाँ पर ये ग्रीन कैंडल है, बट है ये नेगेटिव ही है कैंडल। यहाँ पर अपन डाउन साइड में अगर दोस्तों 19,800 के नीचे मंथली चार्ट के ऊपर नेक्स्ट कैंडल अपनी क्रॉस करती है तो अपन डाउन साइड के लिए ट्रेड कर सकते हैं और आने वाले दिनों के अंदर दोस्तों इस लेवल के आसपास आते हुए दिखाई देंगे, जो कि दोस्तों 19,000 का लेवल है। उसके बाद ये लेवल ब्रेक होता है तो यहाँ पर 18,000 के आसपास आते हुए अपन दिखाई देंगे अगर मंथली चार्ट के ऊपर ये लेवल क्रॉस हुआ तो। अगर मंथली चार्ट के ऊपर ये लेवल क्रॉस हुआ तो अपन 17,000 के आसपास भी आते हुए दिखाई देंगे। उसके बाद जो हमारे यहाँ पर ट्रेंड लाइन चल रही है उस ट्रेंड लाइन के ऊपर भी नज़र बना के रखेगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर ये जो ट्रेंड लाइन चल रही है इस ट्रेंड लाइन के आसपास से अपन वापस बाउंस बैक हो सकते हैं। ये मंथली चार्ट की ट्रेंड लाइन है तो ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आते हुए आपको दिखाई देगी और यहाँ पर अपसाइड में वापस कुछ इस लेवल को निकालेगी तो वापस आपको अपसाइड में जाती हुई दिखाई देगी, जो कि दोस्तों 20,800 का लेवल है मंथली चार्ट के ऊपर। तो इसके ऊपर आप नज़र बना के रखिएगा, अदरवाइज ये डाउन साइड में आती है, इसको ब्रेक करती है, टेस्ट करती है और यहाँ पर कोई नेगेटिव कैंडल बनाती है 19,000 के आसपास वापस, तो अपन डाउन साइड में ट्रेड करते हुए दिखाई देंगे मंथली चार्ट के ऊपर। तो यहाँ पर नज़र बना के रखेंगे, यहाँ पर जो मंथली एक्सपायरी पर जो ट्रेड करता है उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, तो यहाँ पर ध्यान से आप देखिएगा। अभी बात कर लेते हैं वीकली चार्ट के बारे में कि वीकली चार्ट के ऊपर यहाँ पर आपको फिन निफ्टी में कहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं। बट उससे पहले अभी तक आपने हमारा फ्री वाला टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर हमारा चल रहा है चैलेंज और उस चैलेंज के मैं जो भी मैं ट्रेड करता हूँ वो ट्रेड आपके साथ शेयर करता हूँ। आप अपने रिस्क रिवॉर्ड को फॉलो करते हुए और अपने जो भी मैनेजमेंट है मनी मैनेजमेंट को फॉलो करते हुए और लर्निंग पर्पज़ के लिए आप वो ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो यहाँ पर बात करते हैं वीकली चार्ट के बारे में। वीकली चार्ट के ऊपर देखेंगे तो दोस्तों यहाँ पर आपको एक लास्ट वीक की जो कैंडल बनी थी एक अच्छी लो नेगेटिव कैंडल बनी थी, उसके बाद ये कैंडल जो बनी है वो एक अनडिसीजन कैंडल बनी। अब ये अनडिसीजन कैंडल इसलिए बनी कि यहाँ पर एक सपोर्ट है तो ये एक ही वीक के अंदर यहाँ पर सपोर्ट नहीं ब्रेक कर सकता। जब तक दोस्तों 19,600 के नीचे नहीं जाता है, मैंने जब लास्ट टाइम वीकली चार्ट के ऊपर एनालिसिस की थी तब मैंने बताया था 19,600 या फिर आपको 555 से लेकर यहाँ पर 19,800 के बीच में ही मार्केट आपको कंसोलिडेट करता हुआ दिखाई दे सकता है इस वीक के अंदर। तो आपने नहीं देखा है तो एक बार जाके देखिए, मैंने क्लियर बताया था आपको कि इस रेंज के अंदर ही मार्केट रहने वाला है और उसी रेंज के अंदर क्लोजिंग करी है। अब ये अनडिसीजन है तो इसका इंटरप्रिटेशन है कि इसका हाई क्रॉस करेगा तो अपन अपसाइड में ट्रेड करेंगे और लो क्रॉस करेगा तो डाउन साइड में ट्रेड करेंगे, और जो कि दोस्तों यहाँ पर आप इस लेवल के आसपास आ सकता है मार्केट और ये लेवल उसके बाद आपको देखने को मिल सकता है। और अगर ये ब्रेक करता है तो 19,000 का लेवल भी आपको दिखा सकता है आने वाले दिनों के अंदर वीकली चार्ट के ऊपर। अपसाइड की बात करेंगे तो अपसाइड में ये लेवल ब्रेक करता है, अगर अपसाइड में देखेंगे तो ये भी है जो एक ट्रेंड लाइन चल रही है, इस ट्रेंड लाइन का भी नज़र रखोगे तभी अपन यहाँ पर अपन ट्रेड कर पाएंगे। ये कंटिन्यू यहाँ पर देखेंगे, ये ट्रेंड लाइन चल रही है, इस ट्रेंड लाइन का नज़र रखोगे तभी आप यहाँ पर अपन ट्रेड कर पाएंगे। अदरवाइज़ जल्दबाजी में आप कोई भी ट्रेड नहीं करें और यहाँ पर अपनी पूरी एनालिसिस वीडियो को देख कर ही ट्रेड करें। यहाँ पर ये जो ट्रेंड लाइन चली इस ट्रेंड लाइन के आसपास से वापस अपसाइड जा सकता है या फिर इस ट्रेंड लाइन से वापस डाउन साइड में आ सकता है। मंथली चार्ट के ऊपर 19,000 के आसपास हैं तो देखेंगे वीकली चार्ट के ऊपर भी 19,000 के आसपास ही ये ट्रेंड लाइन मिल रही है, तो ये अपसाइड में निकलेगी तभी अपन अपसाइड के लिए ट्रेड करेंगे, तो थोड़ा वेट करेंगे। अगर 20,000 के ऊपर नेक्स्ट वीक के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट करता है तो यहाँ पर अपन वीकली चार्ट के ऊपर थोड़ा सा बुलिश दिखाई देंगे। बाकी जैसे ये कैंडल बनी थी इस कैंडल में रेस्ट लिया है लोगों ने, अब यहाँ से अगर बायर्स एक्टिव होंगे तो इसका हाई क्रॉस करेगा और सेलर्स एक्टिव हो गया तो इसका लो क्रॉस करेगा, तो यहाँ पर नज़र बना के रखिएगा। अभी देख लेते हैं बैंक निफ्टी को वीकली चार्ट के ऊपर और मंथली चार्ट के ऊपर कैसे ट्रेड कर सकते हैं। उससे पहले दोस्तों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। बैंक निफ्टी के मंथली चार्ट के ऊपर देखेंगे तो यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन आपको बैंक निफ्टी के ऊपर भी दिख रही है, जो कि दोस्तों यहाँ पर आपको सपोर्ट लेता हुआ मार्केट दिखाई दे सकता है अपसाइड या फिर इसको ब्रेक डाउन करके आपको डाउन साइड में भी
आता हुआ दिखाई दे सकता है। बट यहाँ पे देखेंगे यहाँ पर भी एक इन्वर्टेड हैमर जैसी कैंडल देखने को मिल रही है। अब इसका कैंडल ग्रीन है, इसका इंटरप्रिटेशन यही है नेगेटिव, इसका लो क्रॉस करेगा तो अपन डाउन साइड में ट्रेड करेंगे। बट दोस्तों यहाँ पर जो लेवल्स आने वाले हैं इंपॉर्टेंट लेवल्स वो क्या है, वो दोस्तों अभी यहाँ पर इंपॉर्टेंट लेवल्स के आस पार ही यहाँ पर ट्रेड करिए, जो कि मंथली चार्ट के जो इंपॉर्टेंट लेवल हैं वो 44,000 हैं, जो कि एक मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल है। इस लेवल को ब्रेक करती है, इस रेंज को अगर ब्रेक करती है मंथली चार्ट के ऊपर 5,000 से लेके 43,500 से लेके 44,000 को, तो यहाँ पर डाउन साइड में अपन कंटिन्यू ट्रेड करेंगे। अगर ये ब्रेक नहीं करती है और यहाँ से कोई बुलिश कैंडल बना के वापस अपसाइड में निकलती है तो अपन अपसाइड के लिए ट्रेड कर सकते हैं। बट इसका लो क्रॉस करेगा तो अपन यहाँ पर 43,500 के आसपास तो आते हुए देखेंगे, और ज़्यादा अपने को सेलिंग्स देखने को मिलेगी 43,000 और 42,800 के आसपास भी आते हुए दिखाई दे सकते हैं, तो यहाँ पर नज़र बना के रखिएगा। अगर अदरवाइज दोस्तों अपसाइड में निकलना है तो ये इसका लो नहीं करेगी या फिर इस लेवल से ही 43,500 के लेवल से ही यहाँ पर बुलिश कैंडल बनाएगी डेली चार्ट पे और 15 मिनट के चार्ट के, तो ये अपसाइड में जाने की पूरी कोशिश कर सकते हैं, तो यहाँ पर भी आप नज़र बना के रखिएगा। अभी देखते हैं वीकली चार्ट के ऊपर कैसे अपन ट्रेड कर सकते हैं। उससे पहले दोस्तों अभी तक आपने हमारा प्रीमियम मेंबरशिप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर मेरी जो भी स्ट्रेटजी होती है और मेरे जो भी एनालिसिस होती है, मैं कैसे एनालिसिस करता हूँ, कैसे मार्केट को देखता हूँ, कैसा मेरा माइंडसेट है, कैसे मेरी साइकोलॉजी है, वो सारी की सारी एक्सप्लेन करूँगा उस कोर्स के अंदर जो कि आने वाला है। और वो कोर्स एब्सोल्युटली फ्री में मिलेगा हमारे जो भी प्रीमियम मेंबर हैं उनको, तो डिस्क्रिप्शन में दी गई इन्फॉर्मेशन से प्रीमियम मेंबरशिप ग्रुप ज्वाइन आप कर सकते हैं। अभी देखेंगे वीकली चार्ट के ऊपर बैंक निफ्टी के, तो यहाँ पर ये कैंडल देखिए, कैंडल ये पूरी की पूरी अनडिसीजन कैंडल बनी है। इस कैंडल का कोई इंटरप्रिटेशन नहीं है, इसका हाई और लो मार्क करके रखिए। जिस साइड में ट्रेड करेगा उस साइड में अपन ट्रेड करेंगे, जिस साइड में मार्केट निकलेगा उस साइड में अपन ट्रेड करेंगे। अदरवाइज यहाँ पर आपको कोई भी जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। जब तक दोस्तों इस लेवल के नीचे क्लोजिंग नहीं मिलती है, 44,000 के नीचे क्लोजिंग नहीं मिलती, तब तक अपने को कोई भी बेरिश ट्रेड नहीं करना। और यहाँ पर इन बिटवीन रह सकता है आने वाले इस वीक के अंदर या फिर नेक्स्ट वीक के अंदर। अगर ब्रेकआउट देता है 45,000 का तो अपन यहाँ पर कंटिन्यू अपसाइड में वीकली चार्ट के ऊपर ट्रेड कर सकते हैं। बट जब तक नहीं देता ब्रेकआउट तब तक कम क्वांटिटी के साथ ही आप वीकली चार्ट के ऊपर ट्रेड करेगा। अगर दोस्तों यहाँ पर ब्रेक करता है तो अपन ऑल टाइम हाई को वापस टेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों ये जो ट्रेंड लाइन आ रही है इसके ऊपर भी ये जो ट्रेंड लाइन आ रही है इस ट्रेंड लाइन के ऊपर नज़र बना के रखेगा। अगर ये 44,000 और 43,800 के लेवल को ब्रेक करके डाउन साइड में सस्टेन होता है कंटिन्यू, तो अपन डाउन साइड में कंटिन्यू 42,200 और 42,800 के आसपास भी आते हुए दिखाई दे सकते हैं, तो यहाँ पर नज़र बना के रखेंगे बैंक निफ्टी के अंदर। और कोई जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं, आराम से शांति से बैठ के वीडियो को देखिए और आराम से आपको ट्रेड करना है। कोई भी ऐसा नहीं कि आपने सारा पैसा फूंक दिया और ऐसे पैसे फूंकते हुए आप ट्रेड करें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करें, क्योंकि ये स्टॉक मार्केट में कोई फ़र्क नहीं पड़ता इसमें आप कितना पैसा लेके आए हो और या कितना पैसा यहाँ पर जाने वाला है। तो अपनी रिस्क रिवॉर्ड को मैनेज करके ट्रेड कीजिएगा। अभी निफ्टी के मंथली चार्ट के ऊपर देखेंगे तो देखेंगे तीन मंथ में मार्केट एक ही रेंज में बना हुआ है, और एक ही रेंज में कब बना हुआ है, जब देखेंगे एक दो तीन चार तो कंटिन्यू ग्रीन और एक अनडिसीजन। जब भी अनडिसीजन कैंडल बनती है, जैसे वीकली चार्ट के ऊपर अनडिसीजन कैंडल बन रही है, उसका हाई ब्रेक हुआ तो ये कंटिन्यू एक मूव मिला, तो ये वीकली चार्ट के ऊपर ये थ्योरी आप लगा सकते हैं, क्योंकि कैंडल्स का इंटरप्रिटेशन सेम होता है। ठीक है, अभी यहाँ पर देखेंगे एक इन्वर्टेड हैमर जैसी कैंडल बनी है, यहाँ पर देखेंगे बायर्स अपसाइड में ले जाने की कोशिश करी बट वापस इसी रेंज में आके क्लोज कर दी। अब इस रेंज को मार्क करके रखेगा, जिस साइड में ब्रेकआउट देता है जिस साइड में ब्रेकडाउन देता है उस साइड में अपन ट्रेड करेंगे। और ब्रेकआउट अगर ऑल टाइम हाई के ऊपर सस्टेन होता है 20,000 के ऊपर तो अभी यहाँ पर ब्रेकआउट मानेंगे, अदरवाइज यहाँ पर वापस मार्केट यहाँ से अगर डाउन साइड में आता है इस लेवल से 19,000 से, तो कंटिन्यू डाउन साइड में आने की हाई पॉसिबिलिटी है, जो कि 17,000 के आसपास आने की हाई पॉसिबिलिटी है, जो कि इस वीक में आ सकता है। बट यहां पर इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि यहां पर ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन किस साइड में हो रहा है मंथली चार्ट के ऊपर। तो अभी मंथली चार्ट के ऊपर ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं, जितना आपको लेवल्स हैं उस लेवल्स के ऊपर ही आप ट्रेड कीजिए, कोई जल्दबाजी करने की जरूरत है नहीं। अभी देखेंगे ये अनडिसीजन कैंडल यहाँ पर भी बनी, अब इसका हाई और लो मार्क करके रखिएगा वीकली चार्ट के ऊपर। निफ्टी के वीकली चार्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है, इसका हाई ब्रेक करेगा तो अपसाइड में, इसका लो ब्रेक करेगा तो डाउन साइड में ट्रेड करेंगे। बट यहाँ पर आप अपने हाई और लो को मार्क करके रखिए, उसके बाद ही यहाँ पर कोई ट्रेड कीजिएगा, अदरवाइज कोई भी जल्दबाजी से ट्रेड करने की कोशिश आपको करनी नहीं है, क्योंकि आप अपने रिस्क रिवॉर्ड को फॉलो करके ट्रेड कर रहे हैं। और यहाँ पर देखेंगे इस लेवल के आसपास आता हुआ मार्केट देखने को मिल सकता है आने वाले वीक के अंदर डाउन साइड में, और अगर इसको ब्रेक करेगा तो इस लेवल के आसपास और 600-400 के आसपास आता हुआ दिखाई दे सकता है वीकली चार्ट के ऊपर, वो भी प्राइस एक्शन के साथ, तो नज़र बना के रखिएगा। अगर अपसाइड में निकलता है तो ऑल टाइम हाई को ब्रेक करता है तो कंटिन्यू अपन अपसाइड में 20,200 या फिर
255 के लेवल को ब्रेक करता है तो कंटिन्यू अपन अपसाइड में जा सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से अपन मंथली चार्ट के ऊपर और वीकली चार्ट के ऊपर निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी को ट्रेड कर सकते हैं। बाकी जो अपने एनालिसिस हैं इंट्राडे में ट्रेड करते हैं वो आपको कल वीडियो मिल जाएगा फुल, और उस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कौन से लेवल पर आपको बाई करना है इंट्राडे के अंदर और कौन से लेवल पर सेल करना है। बाकी दोस्तों आपने हमारा फ्री वाला टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। उसके साथ साथ आपने अभी तक हमारा प्रीमियम मेंबरशिप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसके बेनिफिट्स भी मैं आपको वीडियो में बता चुका हूँ। बाकी वीडियो देखने के लिए थैंक यू, वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।